तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टैंकर्स। और हम यहाँ पर खड़े पुष्कर में, थोड़ा सा अंदर जाकर ब्लू स्टार गार्डन रेस्टोरेंट पर, विच इज फेमस फॉर इट्स इजरायली फूड। हाँ, ये कर लो पहले। हम यहाँ पर मेन इजरायली क्यूजीन करने आए हैं। दिल्ली में मिलती है तो पता नहीं कहाँ कहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ जो पुष्कर में मिलती है वो मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट है ये। तो आइए चलते हैं और मिलवाते हैं आपको इजरायली फूड से। तो बताया था हमने, हम इजरायली फूड खाने यहाँ पे आए हैं और हमने मेनली तीन चीज़ें ऑर्डर करी है, जिसमें फर्स्ट है ये मलावा। ये एक्चुअली पिज्ज़ा की तरह होता है और इसका बेस देखिए बहुत फ्लेकी, जैसा हम मैदा की रोटी टाइप्स है और बहुत फ्लेकी बेस है, और ऊपर ऑलिव्स और चीज़ है, और साथ में मेरे ख्याल से ये शायद हमें टमाटर का सालसा या फिर चटनी टाइप जी हुई है। तो मैं ट्राई करती हूँ। ये चीज अच्छा है इसका, अरे ये रोटी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, रोटी मतलब बेस का टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेकी फ्लेकी, वेरी नाइस। सेकंड ये है, अच्छा हम जो बेसिकली खाते थे पीता ब्रेड विद हमस खाते थे। डेली का पीता ब्रेड देखा आपने, कितना पतला होता है, और ये वाला पीता ब्रेड देखिए इतना मोटा है। मुझे नहीं पता कि या तो ये वाला एक्चुअली पीता ब्रेड होता है या वो वाला एक्चुअली पीता ब्रेड होता है। और ये जो ताहिनी होती है, जो हमस होता है वो चने का बना होता है, लेकिन ये ताहिनी तिल का बना है। इसको ट्राई करते हैं। कड़वा क्यों है? पीता ब्रेड इज नाइस, काफी सॉफ्ट है, काफी फ्लफी है, ऐसा हमारे वहाँ नहीं मिलता। बट आई डोंट नो ये टेस्ट कड़वा क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाला हुआ है या फिर तिल का तेल भी हो सकता है। कंसिस्टेंसी इसकी हमस से थोड़ी पतली, क्योंकि हमस काफी गाढ़ा होता है, बट आई डोंट नो तिल की वजह से हो सकता है ये हल्का सा कड़वा टेस्ट कर रहा है, लोग ऐसे पसंद करते हो। सो थर्ड चीज से जो हमने ऑर्डर करी थी वो थी जीवा, एमएस धोनी की बेटी नहीं। इट्स ये इजरायली गार्लिक ब्रेड आप कह सकते हो, क्योंकि देखने में और फिलिंग में एकदम गार्लिक ब्रेड ज्यादा देखो, चीज और नॉर्मल जैसे टॉपिंग्स जैसे हमारे जैसे मलावा में थी वैसी टॉपिंग्स इसके अंदर है, और चीज का है इसमें साथ में फिलिंग कर रखी है, और टॉपिंग में तेल लगा रखा, साथ में वही टमाटो सैल्सा या चटनी आप बोल लीजिए, और साथ में ग्रीन चटनी भी है। यम्मी, इट्स क्वाइट नाइस। जब पूर्णिमा ने मलावा का बेस बताया फ्लेकी फ्लेकी था, ऐसी सेम इसका ये आउटर कवरिंग में फ्लेकी फ्लेकी किया, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, चीज का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत गरम गरम एकदम। अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है तो द जीवा इज फॉर यू। इजरायली फूड में जीवा आई थिंक अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अगर मैं साथ में मलावा भी टेस्ट करूं जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये डिफरेंट है। चीजें यू सेम हुई है लेकिन टेस्ट एकदम डिफरेंट है, ये काफी फ्लफी और फ्लेकी दोनों है। ये तो मेरे को बेस्ट लगा, जीवा बेस्ट। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अपना कंप्लीट करते हैं खाना। इजरायली फूड आपको अगर खाना हो पुष्कर में, दिस इज द बेस्ट प्लेस, ब्लू ओशन रेस्टोरेंट।
सब्सक्राइब। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो इसराइली फूड की, हमें तो बहुत अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करें, और यहाँ ज़रूर आएँ और आएँ तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।